तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का, तो जूम पे जो है वो हमारी पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स होती रही हैं। शुरू में जो है हमने टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट में जो है वो हमने जो टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट में हमने जो तीन बेसिक कैटेगरीज हैं, जो तीन बेसिक स्टेप्स हैं टाइम्स के प्रोडक्ट की, क्लिंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग, उनके बारे में जो है वो डिस्कस किए। और अब जो है वो हमने क्लिंजिंग के प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है। हम वन बाय वन जो है वो क्लिंजिंग के प्रोडक्ट सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो चिटोसान जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। कल की ट्रेनिंग में हमने ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स डिस्कस किए थे, और आज की ट्रेनिंग में जो है वो हम जो टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग पर। अच्छा, इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, कल भी सजेशन आई थी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टाइम्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स होते हैं वो आप जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी की जो बेसिक कुछ नोट्स तैयार किए हैं, तो वो मैं जो है वो अब तो खैर मीटिंग के एंड में जो है वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी। लिपिड मेटाबॉलिक टी ये क्या है? ये एक हर्बल टी है जिसे नॉर्मली हम जो है वो बॉइल्ड वाटर में डाल के जो है इस्तेमाल करते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता जाऊं कि जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है इसको हर्बल मेडिकल हर्ब कहा जाता है, यानी मुजाती जड़ी बूटी। ये क्या जो कदीम जो पुराने चीन में जो शहनशाहिया थी, या माँ का जो पुराना दौर था किन न्यान डायनेस्टी का, तो उसमें जो है वो ये हर्बल टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। और पार्टिकुलरली जो जो गाइनास्टेमा पेंटाफिलियम है, जो ये जड़ी बूटी है, तो इस जड़ी बूटी की चाय जो है वो उसके जमाने में जो किन चिन डायनेस्टी का जो एम्परर था, बादशाह था, तो ये चाय जो है वो ये स्पेसिफिकली सिर्फ उसके लिए ऑथोराइज्ड थी। और ये चाय जो है वो सिर्फ वही शहनशाह या वही बादशाह जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो कम्युनिटी है उसमें जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुई, और बाकी लोगों के लिए जो है वो ये लीगलाइज होगी। उससे पहले ये सिर्फ जो चिन डायनेस्टी का जो शहनशाह था, जो एम्परर था, सिर्फ वही इस चाय को जो है वो इस्तेमाल कर सकता था। इसमें प्रोडक्ट्स को जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो इसकी अफादियत है, जो ये हमारी बॉडी में एंटी लिपेमिक रोल प्ले करता है, तो वो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से जो है वो ये एक्टिविटीज इसमें पाई जाती हैं। Kindly आप joining, जैसे ही join हो जाए तो अपना माइक जो है वो उसको म्यूट कर लिया करें, क्योंकि ऐसा फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा, तो बेसिकली जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है ये पांच हर्ब से मिलके बनी है। इसमें जो है पांच हर्ब्स के पांच जड़ी बूटियों के जो है वो अच्छा शामिल किए गए हैं। उनमें से जो है वो सबसे पहले कौन सा है? हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम, ये एक जड़ी बूटी है जिसे लॉन्गिट्यूडिटी हर्ब भी कहते हैं। तो इन इंडिविजुअल जड़ी बूटी को जो है वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि किस जड़ी बूटी में जो है वो कौन सी खसूसियत है और उसकी जो है वो कौन सी एक्टिविटी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे सीमन कैसी, ये भी एक जड़ी बूटी है, और इसके जो सीड्स हैं उसके इंग्रेडिएंट जो है वो इस लिपिड मेटाबॉलिक टी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स शामिल किए गए हैं, जिसे हम जो बोटानिकल नेम जिसका कैमिलिया साइनेंसिस है, तो कैमिलिया साइनेंसिस के पत्ते जो है वो उसके लीव्स इस लिपिड मेटाबॉलिक टी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा फोलियम निलंबेंसिस,
ये भी एक जड़ी बूटी है जो लोटस लीव्स, इसे लोटस भी कहते हैं। तो इसके लीव्स जो है वो इस लिपिड मेटाबॉलिटी में शामिल किए गए हैं। ये बेसिकली एक एक्वेटिक जड़ी बूटी है और पानी में मोस्टली ये जड़ी बूटी पाई जाती है। तो इस जड़ी बूटी के पत्ते एक्सट्रैक्ट करके जो है वो उसके एक्सट्रैक्ट इस लिपिड मेटाबॉलिक टी में जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रेडिक्स पॉलीगोनी मल्टीफ्लोरा, ये भी एक कुदरती जड़ी बूटी है और इसके कंपोनेंट जो है वो इस हर्बल टी में शामिल किए गए हैं। इसको नाम क्यों लिपिड मेटाबॉलिक टी का कहा दिया गया है या लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी क्यों? क्योंकि ये आपकी जो बॉडी में लिपिड की मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। अब लिपिड के मेटाबॉल लिपिड क्या चीज है और मेटाबॉलिज्म उसकी किस तरह होती है? लिपिड बेसिकली जिस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म होके मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं या न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स बनते हैं या उससे जो है वो हम इनर्जी लेते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक बायो मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारा हार्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है या जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरह परफॉर्म करते हैं कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह, उनकी मेटाबॉलिज्म होती है और उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी बनती है और वही एनर्जी जो है वो हम अपनी रोजमर्रा एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है कि बाजों का जो है कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं तो वो उन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा बाज ऐसे सेलुलर कंपोनेंट से सेल में ऐसे चीजें होती हैं जो किसी से प्रोटीन से मिलके बनती हैं। तो मैं आपको जो है बायो मॉलिक्यूल बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये लिपिड भी जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक बायो मॉलिक्यूल है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। जो हमारा सेलुलर मेम्ब्रेन है या जो सेल वॉल का मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड से जो है वो मिलके बनता है। इसके अलावा ये जो है वो उसको हम एनर्जी एज एनर्जी सोर्स भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कन्वर्टेबल भी है, जो है वो लिपिड के मॉलिक्यूल प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन बाद क्या होता है कि जब लिपिड मैनेजमेंट मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में लिपिड की मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं, हमारी बॉडी लिपिड कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है, ले रही होती है, इनगल्फ कर रही होती है, लेकिन उसकी कंजम्पशन नहीं होती, वो वहां पे इस्तेमाल नहीं होती। तो जब वो इस्तेमाल नहीं होती तो क्या होता है कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल है वो मुख्तलिफ जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ टिश्यूज में या मुख्तलिफ जो है ऑर्गन्स में वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर उन ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करते हैं। तो ये मैंने टी क्या करती है, जो लिपिड मेटाबॉलिक टी है ये आपकी डिपोजिशन लिपिड की डिपोजिशन को होने से रोकती है। ये आपकी लिपिड की मेटाबॉलिज्म को मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है, ताकि जो लिपिड का जो साइकिल है, जो इसके मेटाबॉलिज्म का साइकिल है वो इसी तरीके से चलता रहे और लिपिड जो है वो डिपॉजिट होने से बच जाए। और ये खसूसियत जो इस लिपिड मेटाबॉलिक टी की जो ये खसूसियत है कि किस वजह से है, ये जो यहाँ पे जो हमने जड़ी बूटियाँ डिस्कस की, जो हर्बा कैनोस्टेमा पेंटाफिलियम सेमन कैसी ग्रीन टी, इसके अलावा फोलियम नीलम बैंसिस और रेडिक्स पॉलीगोनी मल्टीफ्लोरा, ये वो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो इस हर्बल टी की ये खसूसियत है। अब आगे जाके हम इंडिविजुअल जो जड़ी बूटी है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, हर्बा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम, ये एक जड़ी बूटी है जिसे क्या कहते हैं, लॉन्गिटिविटी हर्ब भी कहते हैं, यानी लंबी उम्र देने वाली जो है वो जड़ी बूटी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये जड़ी बूटी जो गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम है, ये किन डायनेस्टी या जो चिन डायनेस्टी थी आज से मेरा ख्याल से 2000 साल पहले, तो उस जमाने में जो उस सल्तनत का जो बादशाह था, जो एम्परर था, सिर्फ वही इस चाय को या इस जड़ी बूटी को जो है वो इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा जो है वो उस जमाने में किसी और को इजाजत नहीं थी ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करने की। ये क्यों, ये इसकी अफादियत की वजह से,
इस वजह से जो है वो और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स है या जो हमारी सेल्स हैं, जो टिश्यूज है, ये उनको उनको एक्टिविटी उनको एक्टिव रखता है और उनको जो है वो हेल्दी रखता है। वो जो है वो प्रोलॉन्ग लाइफ जो है वो सेल्स मतलब प्रोलॉन्ग लाइफ गुजार सकते हैं। ये क्या हमारे लंग्स के लिए उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारे स्प्लीन को इम्प्रूव करता है, इसके अलावा हमारे किडनीज जो है वो उनको इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल जब लंग्स को इम्प्रूव करेगा तो लंग्स का क्या काम है, ये लंग जो है वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब हमारे लंग्स हमारे फेफड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे तो हर एक सेल को और हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू को जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही होगी और वो अपने अपना फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा स्प्लीन जो क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी में एक फिल्टर टाइप रोल प्ले करता है। ये हमारी ब्लड को जो है वो फिल्टर करता है और क्या चीज देखता है, हमारे ब्लड में जो पार्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये उनकी मॉनिटरिंग करता है। ऐसे रेड ब्लड सेल्स जो डैमेज हो गए होते हैं या जो मतलब वो वीक हो गए होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो ये उनको बाकी ब्लड से फिल्टर आउट करता है और जिस्म से निकालता है। इसके अलावा किडनीज क्या करता है, ये भी वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है, हमारी ब्लड को फिल्टर करता है और हमारी ब्लड में जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको जो है वो इलिमिनेट करता है थ्रू जो यूरिन। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी ये हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो मादनियात होते हैं, उसको जो है वो बैलेंस रखता है। तो ये जो गाइनोस्टोम और पेंटाफिलियम है, ये हमारी तीन ऑर्गन्स को पार्टिकुलरली जो है वो स्पेसिफिकली इन तीन ऑर्गन्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्प्लीन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और किडनीज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसका केमिकल कंपोनेंट क्या है गाइनोस्टोम और पेंटाफिलियम, जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो उन केमिकल्स की वजह से होती है। तो इसमें जो गाइनोस्टोम और पेंटाफिलियम में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स, उसको कहते हैं जिप्नोसाइट्स। जो ये एक्टिविटीज मैंने ऊपर डिस्कस की, तो ये एक्टिविटी इन जिप्नोसाइट्स की वजह से, इस जड़ी बूटी की जो है वो इन जिप्नोसाइट्स की वजह से ये एक्टिविटी होती है। फंक्शंस के ऐसे जो ये फंक्शंस या रोल प्ले करता है वो कौन कौन से रोल प्ले करता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का क्या मतलब है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन प्ले करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल या हाईली एक्टिव कंपाउंड होती हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। जब उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्टेट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो फ्री रेडिकल्स हमारे मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं या जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वो फ्री रेडिकल्स उन कंपोनेंट्स को जो है वो डैमेज करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमें हमने जो एंटीऑक्सीडेंट जो होती है वो क्या करती है कि उन फ्री रेडिकल्स को जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उनको स्कैवेंज करती है, उनको किल करती है। स्कैवेंजिंग का मतलब है कि पकड़ के किल करना। तो ये जो जिप्नोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं या जो गाइनोस्टोमा पेंटाफिलियम की जो जड़ी बूटी है, ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, हमारी बॉडी से जो है वो फ्री रेडिकल्स खत्म करती है, उनको जो है वो किल करती है। इसके अलावा रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, हमारे ब्लड की थिकनेस, जो हमारे ब्लड का गाढ़ापन है उसको जो है वो कम करती है। जब विस्कोसिटी कम होगी, खून के गाढ़ापन होगा, तो वो इफेक्टिवली आसानी से जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचे, फ्लो करेगी और हर एक सेल को और हर एक टिश्यू को जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिलती रहेगी। इसके अलावा एडजस्ट ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, क्योंकि जब विस्कोसिटी कम होगी तो हमारा हार्ट जो है वो दिल जो है वो आसानी से उस ब्लड को पंप कर सकता है और फिर जो है वो उसका प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मेंटेन रहता है। प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस कहते हैं कि जो बाजू का क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस बन जाता है, जब मुख्तलिफ कोलेस्ट्रोल वगैरह या प्लेटलेट्स का एग्रीगेट उनका बन जाता है, एक क्लम्प सा बन जाता है, एक लुथरा सा बन जाता है, ब्लड क्लॉट जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉट जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और फिर उन ब्लड वेसल्स में खून प्रॉपर फ्लो नहीं करता, तो इसे कहते हैं थ्रोम्बस। तो
ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या करती है कि थ्रोम्बस बनने से रोकती है, क्योंकि जाहिर बात है जब ये लिपिड थ्रोम्बस फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप जो है वो लिपिड डिपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है। तो जब ये लिपिड के मैनेजमेंट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है, लिपिड को डिपॉजिट होने से रोक रहा है, तो इनडायरेक्टली ये क्या करता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो उसको रोकता है। मायोकार्डियल प्रोटेक्शन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। मायोकार्डियम कहते हैं हमारे हार्ट को, दिल को। ये मायोकार्डियम को, हमारे दिल को प्रोटेक्ट रखता है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो होता है, खून का बहाव होता है, ठीक है, वो आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि उसका गाढ़ापन जो है वो कम हो जाता है। अब जाहिर बात है जिसको जिस फ्लूइड का गाढ़ापन कम है, तो पीछे से जो चीज उसको पंप कर रही है उस पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। इसके बजाय अगर ये ब्लड बहुत ज्यादा विस्कस होता, गाढ़ा होता, तो ब्लड को पंप कौन, ब्लड को जो है वो हार्ट पंप कर रहा होता है, तो हार्ट पे जो है वो प्रेशर ज्यादा होना था। तो ये क्या करती है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करके जो है वो, उससे क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में वो खून का बहाव प्रॉपर होता है, इजी होता है, और हार्ट पे जो है वो इतना दबाव नहीं होता, इतना स्ट्रेस नहीं होता, और वो जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है। इस वजह से वो ये मायोकार्डिया प्रोटेक्शन रोल भी जो है वो प्ले करता है। इसके अलावा इट प्रिवेंट लिपिड डिपोजिशन एंड प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ये क्या करता है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस की कि लिपिड की डिपोजिशन को रोकता है। लिपिड की डिपोजिशन, जब लिपिड की डिपोजिशन होती है, तो वो आर्टरीज क्या हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और उनमें जो है वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, हमारे ब्लड वेसल में फिर वो इलास्टिसिटी नहीं रहती। तो ये चीज क्या करती है, ये प्रोडक्ट जो है वो लिपिड की डिपोजिशन होती है उसको रोकती है, और जो आर्टरीज है उनको जो है वो सख्त होने से बचाती है। तो ये गैंगस्टेम पेंडोफिलियम जो था, ये सारे उसकी अफादियत है, उसके फंक्शंस थे। आगे बढ़ते हैं, रेडिक्स पॉलीगोनी मल्टीफ्लोरा, ये भी एक जड़ी बूटी है जिसके अज्जा जो है वो इस लिपिड मेटाबॉलिक टीम में शामिल किए गए हैं। ये रेडिक्स पॉलीगोनी, इट इज बेसिकली जो 534 ईयर्स गो कंपेंडियम ऑफ मेटेरिया मेडिका रिकॉर्डेड, इट कैन स्टॉप हार्ट अटैक एंड बेनिफिट फॉर ब्लड। इसका जिक्र जो है 534 साल पहले एक बुक थी, कंपेंडियम ऑफ मेटीरिया मेडिका। मेटीरिया मेडिका ये चाइनीज मेडिसिन की एक बुक थी, जिसमें जो है वो जितने भी चाइनीज मेडिसिन थे उसके बारे में लिखा गया था। तो इसका जिक्र जो है वो 534 साल पहले इस बुक में हुआ था, मेटीरिया, कंपेंडियम ऑफ मेटीरिया मेडिका में। उसमें किस तरह जिक्र हुआ था कि इट हैज अ रोल ऑफ, मतलब ये कार्डियो प्रोटेक्टिव और बेनिफिट फॉर ब्लड, यानी ये ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल है, यानी हमारे हार्ट को जो है वो बेनिफिट रखता है, उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इट आल्सो स्ट्रेंथन लिवर एंड किडनी, ये हमारे लिवर जो है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, एंड किडनीज, जो हमारी किडनीज हैं उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके क्या फंक्शन है, रिड्यूस हेमेटिक फैट, रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस थ्रोम्बोसिस। ये क्या करता है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, थ्रोम्बोसिस। फैट का लेवल ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये चीज क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल फैट के लेवल को कम करके थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस को जो है वो रोकती है। इसके अलावा इसके कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल फंक्शन है, फार्माकोलॉजिकल फंक्शन उसे कहते हैं जो कोई भी चीज हमारी बॉडी की फार्माकोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी में जो फंक्शन, जो रोल या जो एक्शन प्ले कर रही होती है, उसे जो है वो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहते हैं। तो इसके दीगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कौन सी, एंटी कोलिनर्जिक इनहिबिटर, यानी न्यूरो प्रोटेक्शन, जो हमारा आसाबी निजाम है, जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो ये उसको इम्प्रूव करता है, कैसे, बाई इनहिबिटिंग एंटी कोलिन स्ट्रेज। एंटी कोलिन स्ट्रेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे हमारे अच्छा ये जिसके भी क्वेश्चन है ना, तो वो मैं बाद में बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो हम बाद में रखेंगे। तो मैं जो है वो बाद में आपको चांस दे दूंगा, उसमें आप सारे अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिएगा।
अच्छा, तो न्यूरो प्रोटेक्शन रोल ये प्ले करता है, हमारे आसाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है, नर्व सिस्टम को बेहतर बनाता है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग एंटीकोलिनस्ट्रेज। एंटीकोलिनस्ट्रेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पैगाम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को डिग्रेड करता है, उसको खत्म करता है। तो बाजों का जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनमें क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल ज्यादा हो जाता है, और ये जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, उस एंजाइम को रोकता है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो उसको इनहिबिट करता है, उसके फंक्शन को रोकता है। जब उसके फंक्शन को रोकेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ज्यादा होगा, और हमारा आसाबी निज़ाम या जो मैसेज पहुंचाने वाला निज़ाम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या होगा, वो बेहतर होगा। इस वजह से ये क्या है, न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, यानी हमारे आसाबी निज़ाम को जो है वो बेहतर बना रहा है। इसके अलावा ये भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन अदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल्स, स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल्स को जो है वो किल करके हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स रिमूव करता है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेशन या हमारे मुदाफित निज़ाम में जो है वो उसको भी इम्प्रूव करता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स में जिक्र किया था, ये हम आपके मुदाफित निज़ाम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होती है बॉडी, जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो आपके अपने जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ओवर एक्टिव बना देते हैं। ओवर एक्टिव जब हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है तो वो हमारे अपने बॉडी पार्ट्स को जो है वो डैमेज करता है, उनको जो है वो किल करना शुरू कर देता है। तो ये जो जड़ी बूटी है ये क्या करती है, ये उन फ्री रेडिकल्स को जो है वो उसकी उसको किल करती है, एज एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन प्ले करती है, और इस तरीके से जो हमारा मुदाफित इंतजाम है वो जो है वो नॉर्मल रेगुलेट हो रहा होता है। इसके अलावा अदर फंक्शन में जो है वो उसके शामिल है, प्रिवेंट कंस्टिपेशन ड्यू टू इंटेस्टिनल ड्राइनेस, प्रिवेंट प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड बियर्ड एंड मॉइस्चर इन द इंटेस्टाइन एंड रिलैक्स द बाउल। ये क्या करता है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो खुराक की नाली है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये इंटेस्टाइन जो आपका स्टमक है और इंटेस्टाइन, उसको मॉइस्ट रखता है। तो जब मॉइस्ट होता है तो उसमें बाउल की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, वो इजी होती है, और आपको जो है वो कंस्टिपेशन से रोकता है। लेकिन आपने जो है वो हरगिज की भी अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई कंस्टिपेशन है, और आपको जो है वो फौरन उसको ये रेडिक्स पूरी गोनी दे देखे जी, ये देखिए ये लें, आपकी जो है वो इससे बेहतर नहीं आ रहा, ये हरगिज इस तरह नहीं करना, ये इसका एक्स्ट्रैक्ट बेनिफिट है, जो इंटेस्टिनल ड्राइनेस को रिमूव करना है या इंटेस्टाइन को मॉइस्ट रखना है, इसका एक प्लस पॉइंट है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं, एक और जड़ी बूटी जो इस लिपिड मेटाबॉलिक टीम में शामिल है, दैट इज सीमन कैसी। सीमन कैसी बेसिकली जो नॉन्ग्स हर्बल क्लासिक, ये भी एक मेडिसिन है, इसमें भी सॉरी ये एक बुक है क्लासिक मेडिसिन की, जो टीसीएम के जो मेडिसिन है, टीसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका जिक्र जो है वो इस किताब में हुआ हुआ है। तो इसने भी इस सीमन कैसी को जो है वो एज अ टॉप ग्रेड हर्ब कंसिडर किया है, ड्यू टू इस वास्ट फंक्शन, जो इसके मुख्तलिफ फंक्शन है उसकी वजह से। एंड इट इज ये आपके कौन कौन से सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है, ये आपके लिवर एंड किडनीज को जो है वो इम्प्रूव करता है। कैसे? बाई रेगुलेटिंग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज में इसके कौन कौन से शामिल है, एंटी हाइपरलिपेमिक, ये आपके जो लिपिड का लेवल है, एंटी हाइपरलिपेमिक कहते हैं कि आपके लिपिड लिपिड के लेवल को लोअर करता है। कि आपके लिपिड के लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है, उसको जो है वो लो रखता है। इसके अलावा इसके एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी पाई गई, ये शुगर के लेवल को क्या करता है, आपके शुगर को लेवल को रेगुलेट करता है, और आपका शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल पे रखता है। इसके अलावा ये इसकी
न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी इसकी भी पाई गई है, यानी आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, आपको जो नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम के को ले जाने वाले या नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं या उसके फंक्शन को इम्प्रूव करती है, आपके बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाती है और इस तरीके से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका आसाबी निज़ाम है, वो जो है वो हेल्थी रहता है, वो बेहतर रहता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल वाहिद इस लिपिड मेटाबॉलिक टी का कंपोनेंट है जिसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी है, यानी ये आपकी बॉडी में अगर ऐसे कुछ जरासीम में ऐसे बैक्टीरियाज हैं तो ये उसको भी जो है वो किल कर सकता है। इसके अलावा हाइपोटेंसिव एक्टिविटी है, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल सॉरी ब्लड प्रेशर लेवल जो है उसको लो रखता है और उसको जो है वो हाई होने से आपके ब्लड प्रेशर को हाई होने से जो है वो रोकता है। इसके अलावा एक और जो इस लिपिड मेटाबॉलिक टी में जो जड़ी बूटी है जो हर्ब है वो है फोलियम नीलम्बेंसिस। फोलियम नीलम्बेंसिस बेसिकली एक एक्वेटिक हर्ब है, ये पानी में पाए जाने वाला प्लांट है, हर्ब है, और इसके लीव्स जो फोलियम नीलम्बेंसिस के लीव्स इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं इस प्रोडक्ट में। इसमें इसको एक्वेटिक प्लांट यानी लोटस लीव्स इसको कहते हैं, फोलियम नीलम्बेंसिस के लीव्स को, इसके पत्तों को जो है वो लोटस लीव्स कहते हैं। और ये किस चीज़ के लिए बेहतर है? फॉर क्लियरिंग लीवर एंड स्प्लीन, या आपके लीवर को और स्प्लीन को जो है वो एक्टिवेट रखता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इट कैन आल्सो हेल्प यू इन वेट लॉस बाय बर्निंग एक्सेस फैट्स एंड रिलीव कंस्टिपेशन इंड्यूस्ड डायुरेसिस। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, जो एक्सेस फैट्स है उसके लेवल को कम रखता है और आपको जो है वो वेट गेन की तरफ जाने से ये रोकता है, यानी जो है वो वेट लूज करने में जो है वो आपको मदद देता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट जो इस लिपिड मेटाबॉलिक टी में है वो है ग्रीन टी लीव्स, जो कैमिलिया साइनेंसिस जिसे हम सब्स चाय या ग्रीन टी कहते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स भी जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ग्रीन टी बेसिकली ग्रीन टी जो है वो उसको चाइना का नेशनल ड्रिंक यानी चाइना की कौमी मशरूब भी ग्रीन टी है, वो इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं। उसके केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ग्रीन टी में, तो वो टी पॉलीफिनोल जो होते हैं, जितने भी जो ग्रीन टी के फंक्शंस होते हैं उसको कौन वो किस वजह से होते हैं, इन टी पॉलीफिनोल्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं, कैफीन वगैरह। कैफीन क्या है, ये सीनस स्टिमुलेंट है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखता है और आपके आसाबी निज़ाम को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो एक्टिवेट रखता है। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी है इसकी, एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनके लिए जो है वो ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी के जो लीव्स होते हैं वो सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, उनको किल करता है। इसके अलावा इट इज रिच सोर्स ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड्स, इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ ब्रेन, आपके जो दिमाग है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, उसके फंक्शन को बेहतर बनाता है। और ये एक्टिविटी इसकी है कैफीन की वजह से। कैफीन ग्रीन टी में जो कैफीन पाया जाता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट रखता है। इसके अलावा इंक्रीज फैट बर्निंग, आपके फैट के लेवल को रिड्यूस करता है, आपकी जो फैट कंजम्पशन को इंक्रीज करता है और आपकी फैट डिपोजिशन जो है वो उसको फैट डिपॉजिट होने से रोकता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा आल्सो प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इनके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद देता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उसको प्रिवेंट करने में मदद देता है। तो ये थे जो 5 जड़ी बूटियां इनमें शामिल की गई हैं लिपिड मेटाबॉलिक टी में, वो हमने डिस्कस की लिपिड मेटाबॉलिक टी। अच्छा, इसके जो टारगेट कस्टमर्स है कौन कौन से लेवल, जाहिर बात है जो नाम ही इसका लिपिड मेटाबॉलिक टी है, तो ऐसे लोग जिनका जो है वो लिपिड लेवल बहुत ज्यादा है, जो ओबेसिटी का शिकार है, तो ऐसे लोग के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, वो इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कंपोजिशन है, इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो 1.5 ग्राम का एक साशे होता है, 40 साशे एक बॉक्स में जो है वो एक बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि आप दिन में जो है वो किसी भी 2 मरतबा 3 मरतबा या 4 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एट अ टाइम 1-3 बैग जो है वो आपने पानी में डालने हैं 10 मिनट बॉइल्ड वाटर में 10 मिनट के लिए, और उसके जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आज की हमारी ट्रेनिंग के बारे में, लिपिड मेटाबॉलिक टी इसके बारे में हमने डिस्कस किया।
अब टाइम भी कम रहता है, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन अगर हैं, कोई क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए ये कि ये ट्रेनिंग हम जो है वो थोड़ी देर बाद उस पर अपलोड करेंगे, अपने जो हमारा फेसबुक पेज है और जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये हम अपलोड करेंगे, तो आप उसको जो है वो वहां से फिर देख सकते हैं। जी रावजगढ़ साहब, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं ना दोबारा अपना जो मैसेज है वो आपको रिकॉर्ड करवा देता हूँ कि जी, रावजा आपकी साहब, ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट में बता दिया है इसके बारे में, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स बना दिए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए फिर जी। मैं। मैं ना मेरी इसके अलावा एक गुजारिश है कि जी, ट्रेनिंग नो डाउट कमाल की ट्रेनिंग है और ये नॉलेज शायद हमें पूरी जिंदगी में नहीं मिल सका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ना इतनी अहम ट्रेनिंग सिर्फ आवाज के कम होने की वजह से जाया हो रही है, और ये आवाज आप बिलीव करें कि इतनी स्लो है कि मैं इसको आवाज काउंट नहीं करता, ये सरगोशी है। तो अच्छा सरगोशी की ट्रेनिंग में आप बिलीव करें कि इतने आपके इतने अहम अल्फाज हैं, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं नहीं चाहता ये जाया हो। तो ये अच्छा काइंडली मेरा दोबारा पैगाम आगे फॉरवर्ड करवा दें। थैंक ठीक है, ठीक है। यू। आज तो मैंने हेडफोन भी लगा लिए थे, मैंने कहा शायद आप इससे बिलीव बेहतर। करें कि मैंने मतलब ना फीडबैक ये है कि सर पंखा बंद करके ट्रेनिंग सुननी पड़ती है, तो इस गर्मी में पंखा बंद करके आप बताएं सुननी चाहिए। अच्छा नहीं माजरत, आज मैंने आवाज बाकी वैसे स्लो है, आप बिलीव अच्छा करें हमारी तमाम ट्रेनिंग में आवाज बहुत ज्यादा होती है, बल्कि हमें इससे आवाज कम करनी पड़ती है। और इस ट्रेनिंग में आवाज अगर आप कह रहे हैं ना माइक लगाया, तो हो सकता है आप सही कह रहे हो। आप ना बेशक हमारी बाकी ट्रेनिंग चेक करें, बाकी ठीक है, समझ गया। हम कोई और ट्रेनिंग में आवाज ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। करें ठीक है ठीक है, हम कोई और ऑप्शन, शायद कोई और मसला होगा तो वो जी। हम थैंक यू कर थैंक लेंगे। ओके यू राशि भाई, आवाज बिल्कुल ठीक आई है, मतलब आगे से काफी बेहतर है। आई डोंट नो कि राव साहब को कोई और ना कोई चैलेंज हो उनके डिवाइसेस से रिगार्डिंग। अच्छा, चले वो हम टेस्ट कर लेंगे ना, हम खुद भी वो कर लेंगे, अगर हमारे कोई डिवाइस में, लैपटॉप में या कोई हेडफोन में कोई इशू हुआ तो हम जो है वो मैनेज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बाकी सर ट्रेनिंग वाज सुपर्ब और बड़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडिशन हुई हैं, तो जी, माशाल्लाह जो है वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप अपना फीडबैक दिया करें, जो भी कमियां हो, जो सजेशंस हो, ऐसी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे खुद अगर पता नहीं है तो मैं वो सर्च करूंगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा, वही चीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूंगा। तो आप लोगों की फीडबैक जो होती है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, और उससे जो है वो हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो काइंडली अपना फीडबैक जो है वो रिकॉर्ड किया करें। इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी जो है वो ये वीडियोस हम अपलोड करते हैं, वहां पे भी जाके अगर बाद में भी आप इसको कोई देखते हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो वहां पे आप जो कमेंट सेक्शन है या हमारे फेसबुक के पेज पे जो मैसेज करके जो है वो आप वो चीज पूछ सकते हैं। जी सर, मैंने मेटाबॉलिक सर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। आवाज पहले सर बेहतर है और मैंने डेक लगा के आपकी ट्रेनिंग ली है, आवाज वाकई स्लो है राव साहब कह रहे हैं। सर मेटाबॉलिक को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। थैंक यू। अच्छा, मेटाबॉलिक बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक अमल है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हम चीजें लेते हैं, जो हम खाना लेते हैं, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, उस खाने से वो जो एक्टिव चीजें हैं, वो जो हमारे काम की चीजें हैं, वो अखस करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि तोड़फोड़ का अमल, सादा अल्फाज में मेटाबॉलिज्म को कहते हैं तोड़फोड़ का अमल। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हम जो खुराक लेते हैं उसको तोड़ते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और इससे जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है, हमें कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, हमें विटामिन रिक्वायर्ड है, तो वो उस खाने से, उस जो हम चीजें लेते हैं उससे वो चीजें अखस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, वो बॉडी फिर उसको फर्दर जो है वो
फर्दर मेटाबोलाइज करके फर्दर उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाते हैं, हमारी बॉडी उससे एनर्जी बना लेती है, और वो एनर्जी हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो वो एनर्जी हम उसके लिए जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो हम खुराक लेते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फिर उन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से आगे जाके एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी वो जो है वो हम फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहते हैं। तो ये चीज क्या करती है, जो लिपिड मेटाबॉलिक जी जी